छत्तीसगढ़ के सुकमा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय नक्सल नागेश उर्फ पेड़कम ने पुलिस अधीक्षक किरण चवाड़ के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, नागेश उर्फ पेड़कम कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके ऊपर 8 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। छत्तीसगढ़ शासन की जो नक्सल निर्मूलन नीति है, उसके अनुसार सुकमा पुलिस का जो पुनर्नवीकरण अभियान है, उसके अनुसार जो बटालियन नंबर 1 है, PLG नंबर 1, उसका कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर है नागेश, उसने आज सरेंडर किया है। नागेश निवासी नागलगुड़ा का है। उसके अलावा इसकी उम्र है 38 ईयर्स है। उसके अलावा नागेश 2003 से 4 तक पालाचलमा एलओएस सदस्य था। 2015 में ये PLG का कंपनी नंबर 2 का कमांडर बना। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, उससे परेशान होकर नागेश ने सरेंडर किया है। नागेश बटालियन छोड़ के आया है। शासन की जो विकास की नीति है, लोगों में शासन के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, अंदरूनी क्षेत्र में जो पुलिस कैंप खोले गए हैं, जिससे क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर नागेश ने आज सरेंडर किया है। इस अवसर पर मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरेंडर करके जो एक अच्छा जीवन यापित करें। नागेश को नक्सल नीति के तहत जो भी सरेंडर के जो लाभ है वो दिए जा रहे हैं।